पांडे जी, माननीय विधायकगण, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अरुण पाठक जी, श्रीमती कमला रानी जी, भगवती सागर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री सुनील शर्मा जी, अपर सचिव डॉक्टर आर के वत्स, महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर के गुप्ता जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मेडिकल कॉलेज के सभी सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, मेडिकल कॉलेज के सभी उपस्थित यहाँ के छात्र छात्राएं, 8 नई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी गौरवशाली परंपरा को यह मेडिकल कॉलेज आप सबके परिश्रम से, आप सबकी संवेदनशील भावनाओं के साथ आगे बढ़ाने में सफल होगा, इस बात की मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में विगत कुछ वर्षों में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। खासतौर पर जब हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं, 23 करोड़ की आबादी का राज्य, 1947 से आजादी के पहले से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 1947 से लेकर 2014 तक केवल 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के अंदर बने। 2014 के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम जन को प्राप्त हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, अकेले उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। यानी 1947 से 2014 तक कुल 13 मेडिकल कॉलेज बने हैं और 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 13 नए मेडिकल कॉलेजेस केंद्र सरकार के सहयोग से बना रहे हैं। 2 अन्य मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर बना रही है। कुल 15 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर नए बन रहे हैं। इसके साथ ही 2 नए एम्स, एक गोरखपुर में और दूसरा रायबरेली में, इन दोनों की ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। इस सत्र में इन दोनों एम्स में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। वाराणसी में एम्स के समकक्ष बीएचयू का जो मेडिकल संस्थान है उसको एम्स के समकक्ष विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहां पर उपलब्ध कराई है। कैंसर संस्थान वाराणसी का अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से वह संस्थान अभी लोकार्पित हुआ है। प्रदेश के अंदर 6 जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें प्रत्येक में
आठ आठ नई मेडिकल सुपर स्पेशलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को गोरखपुर में थे, तो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आठ नई सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण उन्होंने किया है। वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान में मेरठ, प्रयागराज और झांसी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर के तैयार हो चुके हैं। आगरा में प्रधानमंत्री जी के पिछले विजिट में उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हो चुका है और आज हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि एक समय सीमा के अंदर यह कार्य पूरा होगा और 200 बेडेड सुपर स्पेशलिटी का यहाँ पर आठ नई सुपर स्पेशलिटी की सुविधा के से युक्त एक नया ब्लॉक इस मेडिकल कॉलेज को प्राप्त होगा जो कानपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में जिसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आज की आवश्यकता है, खासतौर पर आज स्वास्थ्य सुविधाओं ने जितनी तेजी के साथ एक नई छलांग लगाई है, हमने तकनीक जोड़ करके जिसमें कार्य किया है, ये मेडिकल कॉलेज है, मैं इसलिए भी इसमें कहूंगा कि सरकार अपने स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराती है और संसाधन उपलब्ध कराने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी सुविधा देना इस सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है। हम उससे कहीं भाग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर अध्ययन कर रहे इन सभी मेडिकल के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा, एक चिकित्सक बनकर के इसको केवल एक पेशा बना देना ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं आज भी शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास चिकित्सक होते हैं, जो हमारे बड़े 14-15 बड़ी सिटी हैं इसमें तो पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में अपने सीमित साधनों से उन्हें अपनी आजीविका को चलाना होता है। उन सीमित साधनों को देखते हुए सरकार वहां पर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, हर जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय स्थापित किए हैं और इन चिकित्सालयों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि वहां पर हमें डॉक्टर मिले, लेकिन हमारे सामने समस्या होती है कि हम डॉक्टर की उपलब्धता वहां करा नहीं पाते। पहले तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं, जो डॉक्टर उपलब्ध है वह मुख्यालय से बाहर जाना नहीं चाहता, और इसलिए हम लोगों ने इस बारे में किया। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे जो आकांक्षात्मक जनपद थे, इन 8 नए आकांक्षात्मक जनपद में जो 6 इंडिकेटर्स तय किए थे भारत सरकार ने, वहां पर स्वास्थ्य और पोषण भी एक था। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया अच्छे डॉक्टरों को वहां तैनात करें, उनको एक पैकेज भी दें, लेकिन जो तैनात होता था वह 1 महीना कार्य करता था, फिर 2 महीने गायब होता था, और मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती थी संवेदनहीनता पर। एक चिकित्सक इस गैर जिम्मेदारपन से सरकार से हर महीने वेतन लेता था और 2-2 महीने गायब है, 10 बहाने उसके होते थे। हमने एक जनपद में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था शुरू की और हमने उसको SGPGI के साथ जोड़ा, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आए, और मैं मानता हूं ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सब के लिए आने वाले समय में नए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उनके स्वयं के कार्य के लिए एक बाधक भी है।
क्योंकि ये आप सबके लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि जहां पर जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति सरकार तो किसी न किसी तरीके से करेगी ही। और मैंने देखा श्रावस्ती में हम जिस चिकित्सक को तैनात करते थे एक महीना अच्छा काम करता था, उसके बाद 2 महीने गायब हो जाता था। उसके बाद सीएमओ के साथ मिलकर के उनके अपने खेल प्रारंभ होते थे, तो हमने कहा खेल बंद करो, टेलीमेडिसिन के साथ इसको जोड़ दो, और एसजीपीजीआई से उसकी सेवाएं हमने प्रारंभ की। बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कहा वहां कल 4 डॉक्टर रख दो, 4 डॉक्टर 50 डॉक्टर का काम वहां अपने आप प्रारंभ कर देंगे। और टेलीमेडिसिन ने 4 डॉक्टर ने वहां पर इतनी बेहतर व्यवस्था देनी प्रारंभ की कि आज जब हमारे आकांक्षात्मक जनपद की जो मेरिट आई है उसमें श्रावस्ती हेल्थ के इस इंडिकेटर में देश के अंदर जो टॉप के 10 हैं उनमें से एक स्थान वह बना रहा है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि हम सबको भी ध्यान देना होगा, जो सरकार हम पर खर्च कर रही है, जो सरकार हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, और जब सेवाएं देने की बात आती है तब हम लोग पीछे भागते हैं, तब हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, एक इसके बारे में सोचना होगा। दूसरा, विगत 4 वर्ष के दौरान, 4.5 वर्ष के दौरान काफी अच्छी प्रगति स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर हुई है, और विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने भी इसमें एक अच्छी छलांग लगाई है। मुझे ये पैरामीटर इसलिए भी देखने के अवसर प्राप्त हुई है, मुझे अपने जो 8 हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उनके बारे में पूरे आंकड़े तैयार करना होता है, उनके बारे में आगे एक रिपोर्टिंग भी देनी पड़ती है, उनकी रिपोर्टिंग भी लेनी होती है, तो स्वास्थ्य और पोषण उसका एक पैरामीटर है, तो उसके अनुसार फिर मुझे इन सब कार्यों को देखता हूं, तो मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर काफी कुछ इसमें प्रगति हुई। हम लोग जब आए थे तब भारत सरकार उत्तर प्रदेश को प्रत्येक जनपद को 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराना चाहती थी, यानी जो कार्डियक वैन होती हैं जिसमें आपके वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर होते हैं, सारी सुविधाओं से युक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जो लेना ही नहीं चाहती थी, यानी भारत सरकार दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लेना नहीं चाहती थी। मार्च 2017 में जब हम लोग आए मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना चाहती है, लेकिन पिछली सरकार ने रुचि नहीं ली, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो मिल सकते। हमने कभी इसमें प्रयास नहीं, आवश्यकता पड़ती तो दिल्ली में जाकर के भी जबरदस्ती लाने की आवश्यकता पड़ी तो लेकर के आओ। और आज मुझे मई तक ये सभी एम्बुलेंस मई 2017 में प्राप्त हो गई थी। हम लोगों ने प्रत्येक जनपद को 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराई। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप सब जान सकते हैं एक कार्डियक वैन का उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है किसी एक व्यक्ति की जान को बचाने में, कितनी बड़ी भूमिका इसकी हो सकती है। और वह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। मैं एक दिन इनकी रिपोर्ट देख रहा था, 78,000 से अधिक लोगों के जीवन को बचाने का कार्य इस दौरान इन हमारी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस ने प्रदेश के अंदर किया। 100 नई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोगों ने फिर से अपने इस बेड़े में शामिल किए हैं, जिससे बड़े जनपद में हम 2 दे सकें और छोटे जनपद में एक और उपलब्ध करा सकें। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब तक एक मरीज चिकित्सालय तक जाता था, चाहे वो बेसिक हेल्थ पोस्ट हो, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहां जाता है और वहां जाकर के वह डॉक्टर के सामने उसको वहां बैठना पड़ता है। हम लोगों ने इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से एक सुविधा देना प्रारंभ किया है कि प्रदेश के 53 जनपदों को हम लोगों ने लिया है, प्रत्येक मेडिकल यूनिट में एक चिकित्सक, एक पैरामेडिकल का स्टाफ, एक टेक्नीशियन वहां पर उसके साथ रहेगा, वह जनपद में जाएगा और भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने उन जनपदों को
जो अभी स्वास्थ्य के इस पैरामीटर में बहुत पीछे हैं, उन जनपदों में हम इनको तैनात कर रहे हैं। अब डॉक्टर मरीज के घर में जाएगा, ये मेडिकल वैन हर गांव में जाएगी और गांव में अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। चिकित्सकों की संवेदना को प्रत्येक जन के मन में, उस संवेदना को एक बार पुनः पैदा करने का एक भाव इसके माध्यम से हम लोगों का है। यह कार्य भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है और मेरा मानना है इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नया परिवर्तन हुआ है, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य हेल्थ केयर की जो सबसे बड़ा जो कवरेज है, इसके माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। बचे हुए 56 लाख अन्य जो लोग थे जो आयुष्मान भारत से कवर नहीं हो रहे थे, हमने राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए भी योजना लागू की है कि वे लोग भी इससे आच्छादित हो सकें और 1 मार्च से हम उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक एक इस प्रकार का गोल्डन कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त उनको जारी करने वाले हैं, जिससे प्रदेश के अंदर हर एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति वर्ष में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का बीमा का कवर प्राप्त कर सके। और ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। मेरा यह मानना है कि स्वास्थ्य का क्षेत्र यह नए अनुसंधान के साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन इसके साथ एक चिकित्सक की संवेदनशीलता, उसका संवेदनशील व्यवहार, मरीज के साथ उसका बेहतर संवाद, यह इसकी सबसे बड़ी, इसका आधारशिला, इसकी बैकबोन है। अगर आप एक चिकित्सक संवेदनशील नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि वह अपने स्वयं के पेशे के साथ स्वयं धोखा कर रहा है। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर, तो सरकार हर स्तर पर प्रयास करेगी, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, लेकिन हमारे जो चिकित्सक हैं और खासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस में, इस बात को थोड़ा आप ध्यान दें कि अक्सर जो हमारे पास आता है, तामीरदारों के साथ मारपीट करने की शिकायतें आती हैं, दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं, कितना खराब मैसेज होता है आप लोगों के प्रति। मुझे याद है कितना बदला है, कितना परिवर्तन हुआ है, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं। मुझे याद है आज से लगभग 25 वर्ष पहले गोरखपुर में एक चिकित्सक का अपहरण हुआ था। अपहरण होते समय पूरा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश हम लोगों के साथ आंदोलन में सड़कों पर आया था। एक चिकित्सक का अपहरण हो गया, बिहार के अपराधी थे, पकड़े गए, मारे गए, डॉक्टर को हम सकुशल वापस लेकर के आए। उसके 12 वर्ष के बाद फिर एक चिकित्सक का अपहरण हुआ। मैं धरने पर बैठा था, एक पब्लिक आदमी मेरे पास आया, कहा क्या योगी जी आप भी इन लोगों के लिए बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ चिकित्सक भी बैठे थे, मैं लोगों के व्यवहार को देख रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, अपहरण तो किसी का भी हो जाएगा। कहा ये सब जो है हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं ये डॉक्टर, जब हम इनके पास जाते हैं कोई छूट करते हैं, सरकार से भी वेतन लेते हैं और फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर भी लूटते हैं, इनका तो अपहरण होना ही चाहिए। यह एक टिप्पणी थी एक पब्लिक के माइंड की, कॉमन माइंड की। मुझे अंदर से झकझोर दिया इस घटना ने कि 12 वर्ष पहले एक डॉक्टर का अपहरण होता है, पूरा शहर, पूरा गोरखपुर, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारे उस आंदोलन में भागीदार बनता है, और 12 वर्ष के बाद आज एक डॉक्टर का फिर से अपहरण होता है, और अपहरण होने के बाद एक पब्लिक के मैन के, कॉमन मैन की टिप्पणी होती है कि डॉक्टर संवेदनहीन है, इनके प्रति किसी प्रकार की कोई सद्भावना नहीं होनी चाहिए। ये जो भाव है पब्लिक का, हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। याद रखना, पैसा किसी के साथ नहीं जाता है, व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही उसको जाना है।
लेकिन आपकी संवेदनाएं और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको एक महान चिकित्सक की श्रेणी में ला करके खड़ा कर सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, ये जो सरकार नई नई सुविधाएं दे रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, ऐसे क्या होता है, हम सब कुछ देते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वहाँ हमारा MRI भी है, CT स्कैन भी है, कलर डॉपलर भी है, हमारे वहाँ पर एक्सरे की सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ हम सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 2 महीने के बाद सब खराब पड़े रहते हैं और हर एक चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले को बाहर भेजता है या फिर बाहर कहीं उस इन जितनी जांचें हैं सब बाहर करने के लिए क्यों भेज देता है? क्यों आप EMC नहीं करवाते, क्यों CMC नहीं करवाते? एक मशीन को मैं अगर अपने किसी निजी हॉस्पिटल में लगाता हूं, 12-12 साल 10-10 साल हम उसको चला सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में यही 6 महीने भी नहीं चल पाती है। इतना गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हम सबकी होती है, ये हम सबकी अपने देश के प्रति उन भावनाओं को व्यक्त कराने के लिए हम सबको मजबूर करती है सोचने के लिए कि हम आखिर कहां ले जाना चाहते हैं अपने देश को। क्या केवल सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिक की ही जिम्मेदारी है कि सेना वह दुश्मनों की गोली खाए और दुश्मनों पर गोली चलाए? हम सबकी कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि हम जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में है, वहां पर रह करके हम भी उस प्रकार की बेहतर सेवाओं के माध्यम से ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो इस बात को कहा कि मैं जब यहां आता हूं तो इस संस्थान को केवल एक संस्थान नहीं मानता, एक मेडिकल कॉलेज नहीं मानता, मैं इसको मंदिर के रूप में पवित्र मानता हूं। और मेरा ये मानना है जो हमारी आजीविका का आधार है, जो हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए जो संस्था प्रेरित करती है, उस प्रकार का स्पेस दे रही है, वो सचमुच हमारे लिए सबसे पवित्र स्थल तो वही होना चाहिए। और जिस दिन ये भाव हम सबके अंदर पैदा होगा, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और मुझे लगता है इस दिशा में प्रत्येक नागरिक को सोचने की आवश्यकता है, हम इस दिशा में प्रयास कर सकें। मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। यहां पर डॉक्टर जोशी जी ने जो बात यहां पर कही, या डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, यहां की जो कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वैसे आज सुबह ही मैंने 2 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, आज कानपुर के बारे में भी और आगरा के बारे में भी, आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मैं बातचीत के बारे में इस बार मैं कह रहा था कि मैं आगरा जब गया था तो वहां के मेडिकल कॉलेज की जर्जर स्थिति को देख करके मैंने विगत वर्ष भी कहा था कि भाई नई बिल्डिंग इनकी बनानी चाहिए, नया हमें भवन इनको देना चाहिए, हम अपना एक ठोस कार्ययोजना तैयार करें इन सबके लिए। समस्या पैसे की नहीं, आने वाला है, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं इस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।